हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विन स्टार अकेडमिक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई और कांस्टेबल से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल के रिजल्ट से संबंधित बातें बताएंगे और यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है जो उसके विषय में भी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक पुस्तक काफ़ी अच्छी है जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड के माध्यम से बनाया गया है, काफ़ी अच्छी है। इसकी जो खासियत है पहले हम आप लोगों को वो बता देना चाहते हैं, इसमें संपूर्ण थ्योरी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है और 2600 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। दो साल पेपर 2017 और 2014 के साल पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से दिए गए हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है मूल विधि भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। अगर दोस्तों आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहां से सीधे परचेज कर सकते हैं। अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं अमर उजाला के पेपर में आज के दिन दिया गया है, 12 नवंबर का यह न्यूज है दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम इसी हफ्ते। जी हाँ दोस्तों, परिणाम इसी हफ्ते। अब थोड़ा सा आगे आप लोग को पढ़ के दिखा देना चाहते हैं, जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं परिणाम का, उनकी इंतजार लगभग समाप्त की ओर है। सिपाही भर्ती 2018 के तहत पिछले वर्ष अक्टूबर में सिपाही के 49,568 पदों पर निकली भर्ती का लिखित परिणाम अगले 2 से 3 दिन, बहुत बड़ी खबर है, 2 से 3 दिन में आपके परिणाम जारी हो जाएंगे। डीजीपी मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति ने कहा गया है कि उक्त पदों के लिए परिणाम बोर्ड को वेबसाइट पर अगले 2 से 3 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है 2 से 3 दिन में आपके परिणाम आ जाएंगे। DVPST और दौड़ नवंबर व दिसंबर माह में पूरी कर ली जाएगी। अगले वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और जेल वार्डर को लेकर, जी हाँ दोस्तों, जेल वार्डर को लेकर भी काफ़ी क्यूरी जा रही थी। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के 5805 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है। अब जल्द परीक्षा कराई जाएगी, साथ ही 3000, अभी 5000 प्लस आ रहा था पोस्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है, 5000 प्लस आने वाले पोस्ट को अब 3000 कर दिया गया है। साथ ही 3000 उप निरीक्षकों के लिए भी जल्द ही वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके लिए पिछले वर्ष ही डीजीपी मुख्यालय ने से प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया था। दोस्तों, यह थोड़ा सा अच्छा खबर नहीं है, जो यूपी दरोगा भर्ती की 5000 से अधिक पदों पर आने वाली थी भर्ती, अब वो 3000 पर अटक गई है। अभी भी देखते चलिए आगे क्या क्या होता है, लेकिन यह एक अच्छी न्यूज है। सिपाही भर्ती का जो परिणाम है वो अगले सप्ताह तक, मतलब 2 से 3 दिन के भीतर आपकी परिणाम आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। काफ़ी अच्छा न्यूज है, आप अपनी दौड़ वगैरह को अच्छा कर लीजिए। जैसे ही कोई ऑफिशियली अपडेट मिलेगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले देंगे। चैनल को बस सब्सक्राइब कर हमसे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।